कल से हमारे एक भी बच्चा सही नहीं गया है हॉस्पिटल से, सारा मर के गया है। मुजफ्फरपूरच्या श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेजमध्ये आपली मुलं गमावलेल्या आयांचा आक्रोश घुमतोय. इथल्या प्रत्येक आईवडिलांनी याच हॉस्पिटलमध्ये आपलं मूल गमावलंय. मेंदूज्वर आणि अॅक्यूट एन्सिफिलायटिस सिंड्रोम यामुळे दगावलेल्या लहान मुलांची संख्या आता 100 पोहोचली आहे. इस प्रकार की बीमारी से कैसे बचा जाए और यदि बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो किस प्रकार उनको आइडेंटिफाई किया जाए और तुरंत क्या कार्रवाई की जानी है. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्राथमिक उपचार के लिए सारी व्यवस्था रखी गई है. सभी जगह एम्बुलेंसेस प्लेस्ड है. 102 नंबर पर डायल करके लोग एम्बुलेंस भी बुक करा सकते हैं. मुजफ्फरपूरमध्ये होणाऱ्या या मृत्यूंची तज्ज्ञ तपासणी करतायत. मुलांना येणारा हा मेंदूज्वर लीची फळामधल्या विषारी घटकांमुळे येत असल्याचं तपासात समोर आल्याचं एकीकडे म्हटलं जात आहे, तर काही तज्ज्ञांच्या मते मुलांच्या शरीरात ग्लुकोजचं प्रमाण कमी झाल्यानं ती या वेगळ्या मेंदूज्वराला बळी पडतायत. मुजफ्फरपूर के अलावा सीमावर्ती जिले जो है, सीतामढी, शिवहर, मोतिहारी, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिला, लेकिन मूल रूप से मुजफ्फरपूर जिले में इसका प्रभाव ज्यादा है. बिहार मधले हे मृत्यूचं तांडव कधी थांबेल याचीच सर्वजण वाट पाहतायत. आणि मुजफ्फरपूरच्या हॉस्पिटलमध्ये काय परिस्थिती आहे याबद्दल अधिक माहिती देत आहेत बीबीसी हिंदीच्या प्रतिनिधी प्रियंका दुबे. अस्पताल की हालत खुद बहुत खराब है. पानी की व्यवस्था वहां पर नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है. हर लिहाज से एक स्ट्रगल है और एक टोटल कियोस की सिचुएशन है फिलहाल हॉस्पिटल में. यहाँ वहां पर मतलब मैंने देखा कि लगातार पेरेंट्स आते जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, जिसमें ज्यादातर लड़कियां मुझे नजर आई, लाते जा रहे हैं, भर्ती कराते जा रहे हैं. बच्चे 2 से लेकर 5 से 6 साल के बीच में थे और मतलब अचानक 1 से लेकर 2 दिन के अंदर उनकी हालत बिल्कुल खराब होती जा रही है. वो सुन तरीके से एक तो बच्चे पढ़े हुए थे, उनको लगातार वहाँ डॉक्टर्स हर बिस्तर पर 2-2 डॉक्टर्स एक एक पेशेंट के ऊपर अपनी मुट्ठियों से उनको वेंटिलेट करके रिवाइव करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, मगर बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे. हमारे सामने, मेरी आंखों के सामने जितने घंटे मैं अस्पताल में थी, कम से कम 3 बच्चों की मौत हुई. तो पूरा का पूरा माहौल यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा तनाव में है और लगातार बच्चों के मरने की का जो सिलसिला है वो जारी है. इसके साथ ही जो पूरा दोष है वो लीची नाम का एक जो फल है उस पर दिया जा रहा है कि डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के बीच में इसको लेकर काफी मतभेद है. एक गुट ऐसा है जो कह रहा है कि लीची की वजह, लीची एक वजह हो सकती है इंसेफलाइटिस की मौतों के पीछे जो मुजफ्फरपुर में हो रही है, जबकि दूसरा गुट ऐसा कह रहा है कि नहीं, इसके उसके ऊपर सवाल उठाते हुए पेडियाट्रिशियंस यहाँ पर बहुत सीनियर है, उनका ऐसा कहना है कि नहीं, ये एकमात्र कारण नहीं हो सकता. इन सबके बीच जब मैंने यहाँ पर लीची व्यापारियों से, क्योंकि मुजफ्फरपुर भारत में लीची उत्पादन के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है, जब यहाँ पर मैंने लीची के किसानों से बात करी तो उनका कहना है कि इस तरह के माहौल में जो लीची की फसल है, जो उनकी आजीविका का साधन है, वो स्टिग्माइज हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी और उनके एक्सपोर्ट पर, उनकी आजीविका पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा.